ये बहुत अच्छी वैरायटी है, फ्रूट बहुत अच्छा सेट हुआ है इसके अंदर, डायबिटीज वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी है यहाँ की नरेंद्र की। ओके, यहाँ पे ट्रायल लगा हुआ है, ये ब्रिंजल की वन ऑफ द फेमस वैरायटी है। कौन सा वैरायटी? मेरा नाम मोहम्मद समीर, आज आपका नई वीडियो में स्वागत है। ये अरुण भाई, और भाई आपका क्या नाम है? हितेश। हितेश भाई मौजूद है आचार नरेंद्र देव में फैजाबाद में, यहाँ आए हुए हैं अपने दोस्तों से मिलने, और यहाँ की हर एक चीज आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो में। और अरुण भाई आप किस ब्रांच में हैं? सीट टेक्नोलॉजी में है, और भाई भी सीट टेक्नोलॉजी में। कहाँ चल रहे अभी हम लोग? HRC चल रहे हैं, HRC चल रहे हैं, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर, और चलकम देव का जो है मेन गेट है, और ये जाने का रास्ता है। मेन गेट नहीं, साइड गेट है ये, लेकिन ये मेन गेट की तरह है। और इधर सामने ही जस्ट इसके अपोजिट साइड ये हॉर्टिकल्चर का जो है इस साइड है, तो इसके अंदर जो है अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं। गेट के अंदर कुछ ऐसे नज़ारा है, ये बेहतरीन रोड पक्की बनी हुई है RCC, और ये सब वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, ये वेजिटेबल्स का एरिया है। और ये छोटा सा अपना इधर नेट हाउस है जो कि आप सामने देख रहे हैं, और कुछ डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं वहाँ सामने, रोटावेटर खड़ा हुआ है, ये फोर व्हील की जो है ट्रॉली खड़ी है, और इधर आलू की खेती हो रखी है, पूरे में आलू लगाया गया है। हाँ तो भाई ये कुफरी अशोका की वैरायटी लगी हुई इधर। और एक हमने अभी और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि यहाँ पे जैसे कि ये पक्की रोड है, और पक्की रोड बनाई गई है तो साइड में इन्होंने पाइप डाल रखी है, जैसे ये रोड है तो यहाँ पे जो है ये साइड में पाइप पड़े हुए हैं, हर एक साइड जो है इनका पाइप गया हुआ है अंदर अंदर, वो कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी कभी नहीं यूज़ करते हैं, वो इसलिए है क्योंकि ये सामने आप देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा हुआ है, एक वाल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये वेंचरी पाइप है जो कि ठीक नहीं है, वो है ठीक है, ये नीचे पड़ी हुई है, ये वेंचरी लाइन पाइप है, और दूसरी चीज़ ये प्रेशर मीटर और ये फिल्टर, तीन चीज़ें। तो ये साइड में लाइन गई हुई है जैसे कि आपको हम दिखाएंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि इसका क्या यूज़ है। ये देखिए आप, यहाँ पे ड्रिप के पाइप निकले हुए हैं, जब कोई उस तरह की क्रॉप लगाई जाएगी जिसमें जो है ड्रिप इरिगेशन का यूज़ होगा तो ये उसको यूज़ करते हैं। साइड में पाइप पड़ा हुआ है, पक्की रोड है, इनको आइडिया कि यहाँ पर पाइप है, उसी हिसाब से खेत में जोताई वोताई करते हैं। यहाँ पे कुछ देसी गुलाब के पौधे लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे खुशबूदार पौधे हैं। ये अपना पॉली हाउस, और उस साइड जो वैरायटी लगी थी दूसरी आलू की वैरायटी थी, और इधर जो वैरायटी लगी हुई है यह है कुफरी सदाबहार की वैरायटी है जो कि रेंडम ब्लॉक डिज़ाइन मेथड से ये बोई गई है, और वो दूसरे मेथड से बोई गई थी, तो ये इसीलिए बच्चों के सिखाने के लिए ही हर एक मेथड से सोइंग करते हैं और बोआई करते हैं जो कि बच्चों को सिखाया जा सके, और अलग अलग वो जो है ट्रीटमेंट भी सकता रहता है। इसका ट्रीटमेंट भी आप देख लीजिए अलग अलग है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और चलते हैं आगे फिर आपको कुछ और दिखाते हैं। अभी हम हैं वेजिटेबल में सेक्शन में, हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल सेक्शन में, ये जो पॉली हाउस है तो हमको लगता है शायद ये खाली पड़ा है फिलहाल, इसमें कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अंदर जाना ठीक नहीं है क्योंकि कोई परमिशन हमने नहीं ली है। चलते हैं आगे दिखाते हैं, इधर भी नेट हाउस बने हुए हैं जो कि खराब हो चुके हैं, काफी पुराने रहे होंगे, दो नेट हाउस से दोनों के दोनों खराब हो चुके हैं। आलू कैसा है इस वक्त आप देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में। ऊपर जो है लाइन गई हुई है लाइट की जो कि हर एक खंभे में हेडलाइट लगी हुई है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बेक वॉल लगा हुआ है, इस साइड में एक्चुअली पाइप ही उन्होंने डाल रखा ऑलरेडी से ताकि जो है ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम हो सके, और जैसे कि अभी खुले में पानी लगाना है तो यहाँ से अपना खोल लिए, और ये नाली गई हुई है इधर इस साइड में, हालांकि पानी नहीं लगा रहे हैं अभी, ये साइड से नाली भी गई हुई है, अगर खुले मेथड से पानी लगाना है तो खुले से भी लगा सकते हैं, ये इसलिए अभी फिलहाल पानी इन्होंने खोल रखा है क्योंकि इनको जो है कोई दवा डालनी है। ये इलेक्ट्रिक वाली बैटरी चार्ज मशीन है तो चाचा जो हमारे हैं वो दवा डालने जा रहे हैं इसके अंदर, तो पानी इसमें से निकाल करके इसमें दवा का घोल बनाएंगे, फिर भर करके स्प्रे करेंगे, जो फार्म मैनेजर होंगे वो डलवा रहे होंगे कौन सी दवा डालनी कैसे क्या डालनी है। और हमको सामने अभी एक चीज़ और नज़र आ रही है, चलते पहले उसको दिखाते हैं आपको, वहाँ पे फार्म कुछ सामान रखे हुए हैं, इक्विपमेंट रखे हुए हैं, दूर से हमको नज़र आ रहे हैं,
वहाँ चलते हैं, पास में दिखाते हैं आपको क्या है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें खराब हुई पड़ी हैं, तो उसमें से ये कुछ इक्विपमेंट और हैं जो बहुत ज्यादा खराब हो गए। ये ट्रैक्टर आप देख लीजिए, खड़े खड़े यहीं पे सड़ गया है। HMT का ट्रैक्टर है ये, HMT ट्रैक्टर जिसमें हाथ वाला जो गियर होता था वो वाला मॉडल है, ये सड़ गया है पूरा। ये काफी पुराना है इसीलिए खराब हो गया। ये हाथ से इसमें गियर लगाते थे, बहुत ताकतवर और दमदार ट्रैक्टर होता था ये जमाने का। ये है डिक्स हैरो पुराने जमाने का, जो कि अभी अच्छी कंडीशन में है, यूज करने के लायक अभी भी है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उन्होंने नया ले लिया होगा अपना। इधर भी एक रखा हुआ है डिक्स हैरो, और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सामने वो है पावर टिलर, ये खड़ा हुआ है कबाड़ में, कोई यूज नहीं इसका। ये पावर टिलर किस कंपनी का मुझे नहीं आइडिया, अगर आपको आइडिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये है कल्टीवेटर, ये HMT के हिसाब से ही लिया गया होगा, उसी ज़माने का लग रहा है जब HMT ट्रैक्टर है, उसी टाइम का ये लग रहा है। और दूसरा ये रोटावेटर, हमको लगता है ये रोटावेटर किस काम में आता मुझे नहीं पता है, आप देख लीजिए इसके अंदर कितनी सारी ब्लेड लगी हुई है। ये है रोटावेटर, इसका भी यूज नहीं होता मेरे हिसाब से, पड़ा ही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमको नज़र आ गई, तो मैं सोचा वीडियो में इसको ऐड कर देते हैं, जो कि यहाँ वेजिटेबल वाले सेक्शन में था। ये बैगन की खेती, इधर ये बैगन के प्लांट लगे हुए हैं सारे, उसमें बैगन आए हुए हैं, और इस पे टैग लगा हुआ है कौन सी वैरायटी है, क्या है, और डेट वगैरह सब पे मेंशन की हुई, क्योंकि ये अलग अलग है, सबका अलग अलग डेट है, सब कुछ अलग अलग है, क्योंकि बच्चों को डिजीज पढ़ानी होती है, इंसेक्ट के बारे में पढ़ाना होता है, सब कुछ पढ़ाना होता है, तो इसीलिए डेट वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। ये उधर दूसरी वैरायटी लगी हुई थी, और ये दूसरी वैरायटी है ब्रिंजल की, ये देखिए सब पे टैगिंग की गई है अच्छे से, क्योंकि क्रॉस मेथड से। ये व्हाइट वाले बैगन, व्हाइट व्हाइट बैगन, ब्राउन बैगन, ब्लैक बैगन, और ये लंबे वाले बैगन हैं, ये लंबे वाले। सबकी वैरायटी और सबके बारे में टैग लगा हुआ है अलग अलग, ये देख लीजिए। यहाँ प्रैक्टिकल जो कराया जाता होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होता होगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता होगा, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फील्ड की तैयारी की गई है, जो कि हमने पहली बार देखा है। ये देखिए ये यहाँ भी वाइट वाला लगा हुआ है अंडे की तरह, और वाइट में जो है लंबे वाले इधर लगे हुए हैं, ये लंबे वाले हैं वाइट में, ये लंबे वाले बैगन है। अब उधर ब्रिंजल का हम कवर कर चुके हैं, अब आपको हम मिर्चा दिखाते हैं। इधर लगा हुआ चिली, ग्रीन चिली, साइज आप देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त है, ये देखिए ये साइज है इसका। तो सारा आपका मिर्चा लगा हुआ है, जैसे ब्रिंजल की सारी वैरायटी लगी हुई थी ऐसे ही मिर्चे की बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है, और सबके अलग अलग नेम, अलग अलग टैग लगे हुए हैं, वैरायटी सबकी अलग अलग लगी हुई है। चलिए अभी सेक्शन से निकलते हैं, दूसरे फील्ड में चलते हैं। ये नियर अबाउट एक एकड़ का लैंड रहा होगा जिसमें जो है ब्रिंजल और मिर्चा लगा हुआ है। इस सेक्शन से यहाँ से निकल के आए हैं और दूसरे सेक्शन में आ गए, ये जिंजर लगा हुआ है, अदरक, ये अदरक की खेती हुई है यहाँ पे, ये पूरा अदरक है, इसको तो हम खोद के जरूर दिखाएंगे आपको। चलिए थोड़ा सा खोदते हैं, ये देखिए थोड़ी सी तोड़ के निकाल ली है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ऐसे ही पूरी यहाँ पड़ी हुई है, जब मेरे पास खुरपी या फावड़ा रहेगा तो खोदने में आसानी रहेगी। ये देखिए पूरे में जो है अदरक लगी हुई है, यहाँ भी टैगिंग की गई थी लेकिन अब सीजन चला गया है तो टैग भी खराब हो गए हैं जो है, और हार्वेस्ट भी कर लिया गया है लगभग,
यहाँ कोई मंडी में भेजने के पर्पज से नहीं लगाया जाता है, या कि मेस में यूज होता है, या तो फिर जो है बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि उनको लास्ट तक पता चल सके कौन कौन सी डिजीज लगती है इसके अंदर। बगल में ये कोरिएंडर लगी हुई है, धनिया, जो कि लाइन टू लाइन लगी हुई है। ये देखिए पूरा इधर धनिया लगा हुआ है, कोरिएंडर, और इधर जिंजर पूरा, बस एक एकड़ नियर अबाउट ये भी है, ये भी कवर हो गया। ये जिंजर के बाद इसी फील्ड में हल्दी भी लगी हुई है, तो ये इधर देखिए हल्दी का पौधा है, ये भी हार्वेस्ट कर लिया गया नियर अबाउट, नहीं भी हार्वेस्ट किए होंगे तो इसका टाइम खत्म हो गया है। अरुण भाई थोड़ा सा उखाड़िए इसको, दिखाते हैं, तोड़ दो वहीं से यहाँ से। ये देखिए हल्दी है यहाँ पे, ये हल्दी है, तो ये उधर अदरक थी और इधर हल्दी वहां तक, और इधर धनिया। बस अब नेक्स्ट फील्ड में चलते हैं। नेक्स्ट फील्ड में आ गए हैं, और पीछे हमारे साथ हितेश भाई हैं और अरुण भाई हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे फील्ड घूमना बहुत मजा आता है, इसलिए फ्री टाइम में हम आ गए हैं नरेंद्र देव, और आपको भी दिखा रहे हैं साथ साथ में खेती, यहाँ की खेती कैसी है। हमारे पीछे जो है ये क्या लगा हुआ अरुण भाई, मंगरेल बोलते हैं इसको लोकल लैंग्वेज, मंगरेल बोलते हैं। और पीछे इधर लगी हुई है क्या बोलते हैं इसको, ये पीछे हमारी तरफ लगी हुई सौंफ लगी हुई है। तो इस फील्ड में बस दो ही चीज है और कुछ नहीं है, और पीछे वो वेस्ट पड़ी हुई है क्योंकि इसमें मक्का शायद लगाई गई थी पहले, नहीं थी इसमें हल्दी थी पहले, हल्दी हार्वेस्ट कर ली गई, तो घास वास निकल आई है, अनवांटेड प्लांट निकल आए हुए हैं, हल्दी इसमें से हार्वेस्ट कर ली गई है। हमने यहाँ पे देखा नरेंद्र देव में हल्दी बहुत ज्यादा लगाई गई हर जगह। चलिए नेक्स्ट फील्ड में चलते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट फील्ड आता है वहां पे हमको एक चौराहा मिलता है, चार रोड मिलती है, और यहाँ पे ये फील्ड का एंड हो जाता है। इस फील्ड का अभी तक आपने आपको तीन फील्ड दिखाए हैं, ये देखिए ये रोड यहाँ खत्म हो गई, दूसरी रोड यहाँ से चालू हो गई, ये रोड यहाँ जा रही, अब एक फील्ड ये होगी अपना, एक इधर और इधर, दोनों जो है इसमें पूरे में हल्दी बहुत दूर तक, आखिरी लास्ट तक हल्दी ही लगी हुई है। और इधर क्या लगा हुआ है अभी देखते हैं, ये देखिए पालक लगाई गई, इसमें पालक लगा हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग से ही बोया गया यहाँ भी, क्योंकि हर किसान ब्रॉडकास्टिंग से ही बोते हैं, तो ये भी ब्रॉडकास्टिंग से ही बोया गया है। ये गाय की गोबर पड़ी हुई थोड़ी सी यहाँ पे, जो कि डालेंगे कभी ना कभी, सामने एक रोड है। अब इस कॉलम का ये फील्ड कंप्लीट हो गया हमारा, आप भी अपने वहां इस तरह से खेती कर सकते हैं अलग अलग चीजों की, ताकि आप पर डे मंडी से कुछ ना कुछ पैसे कमा सके। हम वहां पे थे, वहां से चल के यहाँ गए, पूरा हल्दी लगा हुआ है, पूरा वहां लास्ट तक हल्दी लगा हुआ, उधर भी हल्दी लगी हुई है, और सब कुछ हल्दी है। अब ये इतना प्लाट जो वहां तक आपको दोबारा फिर से दिखाते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ भी कोरिएंडर लगा हुआ है यहाँ से वहां तक, अब चलते हैं उसमें जहाँ छप्पर रख रहे हैं ये लोग, तो वहां चलते हैं देखते हैं। और ये ट्यूबवेल सिस्टम है यहाँ पे, इरीगेशन का सोर्स सिस्टम वहां पे बना हुआ था, लेकिन मेन हमको लगता है ऑपरेटर यहीं पे है, हाँ मोटर वगैरह यहीं पे रखी हुई है। ये देख लीजिए आप, नीचे पंखा बना हुआ है, और ये वाल है, टैंक है, और वो सामने छोटा सा छप्पर रखा हुआ है। अब इस रोड पे चलेंगे अंदर, देखेंगे क्या क्या लगा हुआ है। ये पूरी वहां तक धनिया लगी हुई है, और इधर पालक और धनिया दोनों का है। अब आगे चलते हैं क्योंकि वहां तक कवर हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है इस साइड का, पूरा चलेंगे भी कवर करेंगे ये फील्ड पूरा। इसमें मटर लगी हुई है, देख लीजिए आप, ऐसे पूरे फील्ड में मटर लगी हुई है, ये फील्ड में पूरे में जो है मटर लगी हुई है, ये देखिए। वहां तक पी फार्म है, पी कल्टीवेशन किया गया, धनिया लगी, इधर धनिया लगी हुई है, और इधर मटर, इसको कि हम पी बोलते हैं पी, और इधर धनिया, ये छप्पर रखा जा रहा है, वर्कर यहाँ पे जो फार्म के वर्कर लगे हुए हैं छप्पर रख रहे हैं, सेंटर पे चौराहा, यहाँ पे चार रोड है। चलते हैं इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या और क्या लगा है। यहाँ से जो है पूरा ऑल ओवर वहां तक धनिया लगा हुआ है भाई, धनिया बहुत ज्यादा लगी हुई यहाँ पे, ये देखिए वहाँ, अच्छा इधर मेथी लगी हुई, ये मेथी है, ये देखिए आप, इधर मेथी है, ये धनिया है। चलते सामने वाले फील्ड में, ये फील्ड खाली है, इसमें जो है रोटावेटर चलाया गया फाइनल टाइम, हाँ कॉर्नर से कवर किया था, इसमें आलू लगा हुआ है, इधर भी आलू लगा हुआ है, आलू की खेती की गई है वही सेम मेथड से,
चलते सामने एक भैया है अरुण भाई के, जो है सीनियर है ना, नहीं क्लासमेट अरुण भाई के, वो वेजिटेबल साइंस के ही हैं, तो वो कुछ अपने फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, उनसे बातें करते हैं, आपको उनसे मिलाते हैं। यहाँ पे टमाटर लगा हुआ है, हमको लगता है अभी हम वेजिटेबल का जो है हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल का जो है आधा सेक्शन भी नहीं कवर कर पाए हैं। ये यहाँ पे टमाटर लगे हुए हैं, ये टमाटर का प्रैक्टिकल के लिए है, वहाँ से यहाँ तक टमाटर लगा हुआ है। लेकिन जो वहाँ से जब हम एंट्री किए थे तो हाफ इधर आए थे, तो इस साइड का हमने आपको पूरा दिखा दिया, लास्ट टमाटर था। बताएंगे इसके बारे में कि ये क्या लगा हुआ है। भाई ये क्या लगा हुआ है? चाइनीज कैबेज है जी भाई, इसको पाकचुई बोलते हैं। पाकचुई, इसकी दो होती है, पाकचुई और पेट साइज। ये जो होती है, जो पाकचुई होती है, इसके पत्ते बड़े होते हैं, पत्ता ये लीफी पर्पज होता है, लीफी वेजिटेबल होता है। लीफी वेजिटेबल है ये, लीफी वेजिटेबल। ओके, जो पेट साइज होता है वो थोड़ा सा हेड टाइप होता है। ओके, वो ऐसे रहता है, मुठ टाइप ऐसे रहता है। ठीक है, और ये जो है पत्ते टाइप रहता है। इस टाइम इसका फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है। अच्छा, इसपे लगभग ये फ्लावर इसका आया हुआ है। ये फ्लावर है, ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल, देख सकते हो कि जैसे सरसों में होता, मस्टर्ड में होता है, जी जी, वैसा इसका फ्लावर है। मस्टर्ड के टाइप का इसका फ्लावर है, आप देख लीजिए। क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, क्रूसीफेरस। ओके, क्रूसीफेरस वेजिटेबल है भैया। ये जो सामने लगा हुआ है ब्रिंजल, इसमें फील्ड है हमारा जी, तो ये इसमें जो है कुछ, ये जो है अलग टाइप का दिख रहा है, कांटे वगैरह दिख रहा है, हाफ टाइप है, क्योंकि ये इसमें वाइल्ड टाइप करेक्टर आ गया है। वाइल्ड टाइप करेक्टर इसके अंदर, वाइल्ड टाइप करेक्टर आ गया है। जो ब्रिंजल में वाइल्ड टाइप होते हैं, इसमें थॉर्न्स होते हैं, ये वाइल्ड टाइप करेक्टर है ब्रिंजल का, तो इस वजह से इसमें जो है ये ऑफ टाइप है। ये प्लांट हमारा पूरी सीरीज में ये चार प्लांट है, पूरे ऑफ टाइप हो गए हैं। जो वहाँ पे व्हाइट वाली जो ब्रिंजल लगी हुई थी वो इंडी की ही वैरायटी बनाई हुई, इंडी ने उसको जो है बनाया है। ये नितेश भाई अपने वर्क कर रहे थे बेचारे, तो हमने बीच में डिस्टर्ब किया इनको। हम लोग इधर कभी सारा कवर कर चुके हैं, ये सामने गेट था, इधर का वहाँ आखिरी लास्ट तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इधर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। इधर यही देखिए, सामने आप आलू लगा हुआ, उधर टमाटर लगा हुआ है, और उधर लास्ट में हल्दी लगी हुई है। यही सब लगा हुआ है, कुछ खास दिखाने के लिए है नहीं, वीडियो को छोटा करने के लिए। हम लोग अब इधर बढ़ते हैं इस गेट की ओर। ये सामने से एक गेट आएंगे अंदर, तो ये सारा वेजिटेबल्स का है एरिया। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया, भाई बता रहे हैं पोमोलॉजी स्टार्ट हो गया।